वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत जहां पुलिस अब तक लाखों की शराब पकड़ चुकी है और दर्जनों तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं अपराध और अपराधी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने आज कई खुलासे किए। क्या रहे ये खुलासे, जरा आप भी देखिए। SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के निर्देश पर जनपद भर में पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान का परिणाम है कि अब तक पुलिस ने लाखों रुपए की शराब बरामद की है और अनेक तस्करों को भी दबोचा है। पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब तक दर्जनों अपराधी पकड़े जा चुके हैं। इसी क्रम में जनपद भर की पुलिस को कई सफलताएं हाथ लगी हैं, जिसमें सबसे पहले नाम आता है थाना बरसाना पुलिस का। हम आपको बता दें कि बरसाना पुलिस ने पिछले काफी समय से मथुरा पुलिस का सिरदर्द बने साहुन मेव को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि साहुन मेव वही अपराधी है जिसने दबिश के दौरान स्वाट टीम के एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ सफलता हाथ नहीं लगी थी। पुलिस ने साहुन के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। बावजूद इसके साहुन लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा था और पुलिस की पकड़ में नहीं आ पा रहा था। इसी बीच इलाका पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि साहुन मेव अपने साथियों के साथ हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहा है। इस सूचना पर भारी पुलिस बल ने जब घेराबंदी की तो साहुन मेव आ गया पुलिस की पकड़ में, जबकि उसका एक साथी भागने में सफल रहा। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में बने अधबने असलाह और असलाह बनाने के उपकरण भी बरामद किए। हम आपको बता दें कि जनपद पुलिस की नाक में दम करने वाले साहुन मेव पर लूट, हत्या और चोरी और ठगी जैसे 40 मुकदमे दर्ज हैं। बरसाना पुलिस की सफलता को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में SP देहात ने पत्रकारों को जानकारी दी। मैं थाना बरसाना के अंतर्गत SSP महोदय के निर्देशन में और माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो हम लोग प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं लाइन ऑर्डर की, उसके तहत आज बड़ी सफलता ये मिली कि एक फैक्ट्री पकड़ी गई है हथियार बनाने की। इसमें दो व्यक्ति, एक तो साहुन और दूसरा जावेद पकड़ा गया है। साहुन का काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी 50,000 का इनामी था और इस पर 40 मुकदमे आज की तारीख में दर्ज हैं और भी हम इसके मुकदमे तलाश करा रहे हैं। इस फैक्ट्री के पकड़ने से इस क्षेत्र में से जो अवैध हथियारों की सप्लाई होती थी उस पर काफ़ी अंकुश लगेगा। काफ़ी दुर्दांत उपाध है, इसको बरसाना पुलिस और स्वाट टीम ने उनके गिरफ्तार किया है, जिसे बधाई के पात्र हैं और SSP महोदय द्वारा इस पर पुरस्कार की घोषणा की गई है 10,000। SSP के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत दूसरी सफलता मिली कोसी कला पुलिस को, जहां पुलिस ने OLX पर गाड़ी बेचने के बहाने लोगों को मथुरा बुलाकर उनके साथ लूटपाट करने वाले गैंग के दो छात्र सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन छात्रों के पास से अवैध असलाह के साथ साथ 3 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की है। ये नकदी भी OLS के बहाने लूटपाट करके हासिल की गई थी। कोसी पुलिस के इस खुलासे के संदर्भ में SP देहात ने पत्रकारों को जानकारी दी। थाना कोसी कला के अंतर्गत माह फरवरी में दो घटनाएं हुई थी, एक और ये टट्टूबाजी घटनाएं थी। एक तो 6-2 को हुई और दूसरी 19-2 को हुई है। इसमें एक घटना में 3,04,90,000 तथा दूसरी घटना में 18,000 रुपया लगभग इसमें टटलों ने लूटे थे, जिसमें से आज स्वाट टीम प्रभारी और थाना कोसी कला की पुलिस ने एक अच्छा काम किया है और इनसे जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, दो अभियुक्त, एक तो यहाँ का टावर का रहने वाला है कोसी कला का इमरान और दूसरा तस्लीम है, इनसे 3 लाख रुपये बरामद हुए हैं और जो पहले ही उन्होंने लूटा था और साथ में तमंचा कारतूस आदि भी इनसे बरामद हुआ है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। टटलुओं पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से जो कार्रवाई हो रही है, ये बहुत ही अच्छी सराहनीय कार्रवाई है। इसके लिए लोग बधाई के पात्र हैं। स्वाट टीम प्रभारी और कोसी कला के जो प्रभारी वर्तमान में SI हैं, ये बधाई के पात्र हैं। SSP महोदय के द्वारा 10,000 रुपये इसमें नगद पुरस्कार के रूप में भी कहा गया है देने। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध SSP के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत कोसी पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से
300 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये शराब ट्रक के केबिन में छुपाकर बिहार बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। ये छात्र तस्कर इस शराब को मिरिंडा की पेटियों के बीच छुपाकर ले जा रहे थे और बाकायदा तस्करों ने मिरिंडा पे पदार्थ के फर्जी बिल भी बनवा रखे थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने तस्करी करने वाले दो तस्करों को भी दबोचा है। इस संदर्भ में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी देहात ने जानकारी दी। थाना कोशी कला के अंतर्गत 300 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है, जिसमें दो अभियुक्त कुलदीप और दीपक गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो ट्रक लाया जा रहा था, जिस ट्रक से ये लाई जा रही थी, वो ट्रक भी बरामद हुआ है। साथ में इनका फर्जी बिल था। ये सब ये सामान जो बरामद हुआ है, इसके साथ में जो अन्य सराहनीय कार्य इसका ये है कि ये जो दारू लाई जा रही थी, ये कहीं ना कहीं हमारे निर्वाचन में प्रभावित करती या कहीं अन्य जगह पर इसका गलत इस्तेमाल होता, तो इस प्रकार से ये पुलिस को अच्छी सफलता मिली है। इसमें हमारे प्रभारी कोशी कला और स्वाट टीम प्रभारी इसके विशेष बधाई के पात्र हैं। इन्होंने एक अच्छा काम किया है और इसी प्रकार से आशा करते हैं कि पुलिस अच्छा काम करती है। धन्यवाद।